Today's topic is refraction of light. Refraction of light through glass slab. So basically, हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यार, ग्लास स्लैब का, कि कैसे ग्लास स्लैब में लाइट इफेक्ट होता है। ये रहा आपका ग्लास स्लैब, ये रहा आपका ग्लास स्लैब, और इसी ग्लास स्लैब की हेल्प से हम लोग, और ये रहा आपका लेजर लाइट, है कि नहीं, लेजर लाइट देख रहे हैं, ये जल रहा है इसे, ठीक है, लेजर लाइट है ये। तो लेजर लाइट की हेल्प से और इस ग्लास स्लैब की हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। तो पहले एक बार थियरी में बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद प्रैक्टिकली में दिखा दूंगा। सो दिस इज योर ग्लास स्लैब, दिस योर ग्लास स्लैब, दिस इज योर इंसिडेंट रे। जिंदगी में कितने काम करना है हमने? तीन काम। पहला काम इंसिडेंट रे, एंड द सेकेंड टास्क नॉर्मल, एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये तीन काम आपको याद रखना है हमेशा। तो इंसिडेंट हो गया, देन नॉर्मल, नॉर्मल ये लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस उसके बाद मीडियम लिख देंगे, ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, दिस विल बी हियर, दिस विल बी ग्लास, ग्लास एंड दिस विल बी आल्सो एयर। सो सिंस लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ना कैसे बेंड करेगा, अगेन यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, सिंस लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे द नॉर्मल। अगर एक प्रिज्म है, ये अगर ग्लास स्लैब रहता है, यही आपका ग्लास स्लैब देख रहे हैं, नहीं रेक्टेंगुलर ऐसे ऐसे ही मान लीजिए। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाता, बहुत सीधा जाता कि नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो सीधा लाइट ऐसे चला जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब लाइट इज बेंडिंग ओवर हियर एंड आल्सो बेंडिंग ओवर, बेंड होकर ऐसे आ रहा है कि नहीं, यहाँ से बेंड होकर इधर आया, फिर यहाँ से बेंड होकर इधर आया। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, एंड इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू दिस, ये भी आर, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, this and angle E is called the angle of emergence, and angle I is equal to angle E, हमेशा नहीं, angle I और angle E हमेशा क्या होगा, equal होता है, ध्यान देना, ये दोनों angle क्या होंगे, हमेशा equal होंगे। अब this line becomes parallel to this line, ये दोनों line क्या होते हैं, दूसरे के parallel होते हैं, यानी कि अगर आपका glass slab नहीं रहता तो light ray सीधा जाता, due to presence of glass slab लाइट इज डेविटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, और जो इधर जाना चाहिए तो कहाँ से जा रहा हो, यहाँ से, यानी लाइट जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ना, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट। अगर आपका ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट सीधा जाता, क्योंकि प्रदेश का ग्लास स्लैब लाइट इज बेंडिंग ओवर हियर एंड आल्सो बेंडिंग ओवर हियर, यहाँ पर बेंड हो रहा है, यहाँ पर बेंड हो रहा है, फाइनली किधर जा रहा है, उधर ना, तो अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो सीधा जाता, ग्लास स्लैब आगे कोई सब इधर जा रहा था, शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ, एंड दिस शिफ्ट इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट। तो वही एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, कि पहले हम लेजर लाइट आओ 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 एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि लेजर लाइट जो हम यहाँ पर फॉल कराएंगे, ऐसे मान लो पहले ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पहले लेजर लाइट हम फॉल कराएंगे यहाँ पर, मान लो ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है ना ऐसे, और फिर एक बार प्रिज्म ये ग्लास स्लैब लगा करके लेजर लाइट फॉल कराएंगे, देखते हैं पाथ में डेविएशन आ रहा है कि नहीं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, तो करेंगे नहीं करेंगे बताइए। हम एक बार लेजर लाइट ऐसे पास करा देंगे बिना एयर के थ्रू, और एक बार क्या करेंगे इसके पाथ में हम ग्लास स्लैब रखेंगे, तो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं वही हमको देख रहा है, ठीक है ना। तो करें एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रखते हैं, हाँ वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ यहाँ साइड में आइए, साइड में रखते हैं एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं ग्लास स्लैब, ओ हो गिर गया, काम कर रहा है ना, इट्स वर्किंग, चलिए शुरू करते हैं।
पहले स्क्रीन थोड़ा सा ये स्क्रीन है इसको हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको फिक्स कर देते हैं। ये रहा लेजर लाइट और लेजर लाइट से लाइट ऐसे फॉल करा रहे हैं। तो आप सबको दिख रहा है कि नहीं लेजर लाइट लाइट फॉल कर रहा है वो सुन करते हैं ठीक है ना। बाबू देखो एक बार ये इंसिडेंट और नीचे नीचे करो तो ज्यादा नहीं इसको नीचे ये पूरे स्क्रीन को नीचे दिख रहा है बाबू। ये देखो बाबू मान लो कि ये इसको सही कर लो दमक। ये देखिए हम लाइट ऐसे फॉल करा रहे हैं तो वहाँ पर दिख रहा है ठीक है ना। हम क्या करेंगे एक बार वहाँ मार्क कर लेंगे क्योंकि हम ये डालेंगे तो डेविएट करेगा आपके पास से। एक बार यहाँ मार्क कर लेंगे और फिर इसको ग्लास स्लैब को डालेंगे और फिर जहाँ पर करेगा मार्क करेंगे उससे पता चलेगा कि नहीं कि डेविएशन हुआ है कि नहीं। हम शिफ्ट ही देख रहे हैं कि लाइट शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पर लाइट गलती से हो गया इसको स्लैब ग्लास स्लैब लिख रहा है ठीक है ना। ये तो साइड हो गया जी ठीक है ना। ग्लास स्लैब हो लैब गलती से हो गया ठीक है। शुरू करते हैं देखिए अब ये अपना है टॉर्च। तो टॉर्च से लाइट लाइट फॉल कर रहा ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर मार्क कर बैठा तो कोई और मार्क करो मान लो तुम्हारा लाइट फॉल कर रहा मार्क करो तो देखिए वहाँ पर बात नाम देख लेंगे बात से हम ग्लास स्लैब रख लेंगे। तो देखिए तो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं देखो तो रखो तो हम मार्क करो तो उसके सामने मार्क करो देख रहे हैं कि नहीं शिफ्टिंग थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे तरीके से शिफ्टिंग चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं शिफ्टिंग देख रहे हैं कि नहीं। अरे शिफ्ट हुआ है कि नहीं बताइए दोबारा से करके दिखाएं थोड़ा सा और इधर करके यहाँ पर करते हैं एक बार और करके दिखाते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम ग्लास स्लैब नहीं रखेंगे तो वहाँ पर मार्क करो बाबू वहाँ पर देखिए ये दिख रहा है स्पॉट बाबू ठीक है। देखिए वो पेन रखे हैं पेन रख रही है वहाँ देखिए स्पॉट पर पेन रखे हैं ये ठीक है ना। ये दिख रहा है स्पॉट और पेन आपको बिना ग्लास स्लैब पर देखिए वहाँ लाइट जा रहा है ये पेन रखे हैं इसका टिप देखिए वहाँ पर है ठीक है ना रेड स्पॉट। और जैसे हम ये लगाएंगे देखिए वो शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ देख रहे हैं कि नहीं शिफ्ट हुआ कि नहीं। अगर हटा रहे हैं तो यहाँ पर स्पॉट जा रहा है देख रहे हैं कि नहीं। और जैसे हम रख रहे हैं कहाँ रखो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं बताइए शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए स्पॉट बन रहा है कि नहीं देखिए शिफ्ट हो रहा है कि नहीं यहाँ पर आप सबको दिख रहा है। यस सर सर अगर ग्लास स्लैब खाली रख रहे हैं देखिए ग्लास स्लैब अगर ग्लास स्लैब के बिना स्पॉट यहाँ दिख रहा है और जैसे ग्लास स्लैब रख रहे हैं स्पॉट कहाँ रहा शिफ्ट हो गया कि नहीं लाइट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग हाँ सीधा करेंगे तो देख रहे हैं कि नहीं शिफ्टिंग। अरे बोलिए यस सर। अब लाइन ड्रॉ करके आप ये हटो तो अब लाइन जो ड्रॉ कर करके निकाल दिया सही से वैसे ही लाइन ड्रॉ कर करके आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को और एक तरीके से कर सकते हैं। ये तो लेजर लाइट की हेल्प से हमने दिखा दिया ठीक है फिर से कर लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को हम एक और तरीके से कर सकते हैं और तरीका क्या है वो पिन पिन एंड पेपर की हेल्प से पिन एंड पेपर की हेल्प से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ठीक है ना। प्रिज्म वाला भी और ये ग्लास स्लैब वाला दोनों हम फिर से अलग एक्सपेरिमेंट में आपको पिन और पेपर के थ्रू भी करवाएंगे यानी वहां पर भी कैसे शिफ्टिंग हो रहा है। इन लोगों को बोला चुप होने के लिए तो बोलो देख पा रही इन जो एक्सपेरिमेंट है सर कल क्लास हमने प्रिज्म करवाया था और फिर जो रे ऑफ रेड लाइट को डेविएट करते हुए दिखाया कैसे रिफ्लेक्शन होता है और ग्लास स्लैब में भी मैंने ये लेजर लाइट से दिखाया कि कैसे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। दो एक और तरीका होता है करने का पिन और पेपर की हेल्प से वो भी हम करवाने वाले आपको एक्सपेरिमेंट ठीक है ना वो भी हम कर देंगे ठीक है। उसका भी हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे फिर से एक बार देख लीजिए लाइट इधर 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 करते हैं अच्छा लगाइए ठीक है। और हम जो है ग्लास स्लैब लगा रहे हैं तो है कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं हटा रहे तो यहाँ जा रहा है और ग्लास स्लैब लगा रहे तो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं। अरे हाथ थोड़ा सा हिल जा रहा है देखिए यहाँ पर है और ग्लास स्लैब लगेंगे तो देख रहे हैं कि नहीं शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं। अरे कि नहीं दिख रहा है ना वो आप देखिए आप फ्रिज में रखते हैं शिफ्टिंग हुआ कि नहीं देखिए तो शिफ्टिंग हुआ देख रहे हैं कि नहीं। यस सर शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं देखिए बाबू शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं यस सर नहीं हो रहा अभी भी नहीं दिख रहा इधर क्लियर
यस सर क्लियर सो दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम करेंगे ठीक है सो बाय देखते हैं।